तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, स्वागत कीजिए दोनों का। सुनील यादव युवा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, पता लग रहा अकेले नहीं आए यादव जी। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ हैं जो गोरखपुर क्षेत्र के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। आपका भी पता लग गया कि अकेले नहीं आए हैं। लेकिन सुनील यादव, आपको लगता नहीं कि जहां तीन दशक से सांसद का पता बदला ही ना हो, वहां आप लोग गठबंधन करके अपनी तो सुसाइड कर रहे हैं, गठबंधन की भी सुसाइड करा दे रहे हैं 2019 से पहले? नहीं रोहित जी, मैं ये कह सकता हूं कि आपका सवाल बिल्कुल सही है कि लगभग ढाई दशक से पता नहीं बदला। लेकिन आप एफिडेविट निकाल लीजिए, जिसने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जो एफिडेविट में पता दिया है वो पहले ही पता बदल गया है, इसका मतलब पता बदलने वाला है। धर्मेंद्र जी, आज गोरखपुर में एक वाकया ये हुआ कि 5 बजे का प्रोग्राम यहीं से करना था, गाड़ी से उतर के रिक्शे से नहीं आता तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाता आज मैं। ये जाम आज मुख्यमंत्री आए इसलिए लगा हुआ या हमेशा ऐसा रहता है? ये हर हफ्ते होता है लोग कह रहे हैं, ये जाम ऐसा नहीं है। एक सेकंड, आज उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की टाउन हॉल पर सभा थी, इस नाते ऐसा नहीं होता है, ये जाम ऐसा हमेशा नहीं। ये तो उनका घर है, जब जब घर आएंगे जाम लग जाएगा क्या? और जहां तक सुन लीजिए और जहां तक अभी सुनील जी, जहां तक सुनील जी ने अभी जो बातें कही हैं रोहित जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ये गोरक्षपीठ की सीट है, 1989 से लगातार ये गोरक्षपीठ की सीट है, और यहाँ की जनता और गोरक्षपीठ एक दूसरे के समानांतर हैं, दो एक दूसरे को के दिलों में राज करते हैं, और इसलिए ये उपचुनाव सौभाग्य का उपचुनाव है। यहाँ के सांसद योगी आदित्यनाथ जी 22 करोड़ उत्तर प्रदेश के नेता बने हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए उपचुनाव सौभाग्य का है, और इसलिए इस चुनाव में एक जुझारू कर्मठ उम्मीदवार उपेंद्र दत्त शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, और उससे भी अधिक मतों से हम चुनाव जीत कर जाएंगे। यानी आप ये मान रहे ना कि गोरक्षपीठ के नाम पर, धर्म के नाम पर ही जीतेंगे, काम बताकर तो नहीं जीत पाएंगे? जितना रुक जाइए सुन लीजिए, 11 महीने बैठ जाए जरा आप दूसरे की बात, 11 महीने के कार्यकाल में, 11 महीने के कार्यकाल में सुन लीजिए, आप ही के नेता अपनी बात रख रहे हैं, उनको सुन तो लीजिए जरा, सुन लीजिए उनको क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। 11 महीने के कार्यकाल में, उसके बाद नारा लगाइए, 11 महीने के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जितना गोरखपुर में काम किया है, 13 अरब से अधिक विकास की परियोजनाएं लागू हुई है, चार चार पुल बनाए गए हैं, कोई कल्पना कर सकता है क्या 26 वर्षों से बंद बड़ा खाद कारखाना चालू हो सकता है, कोई कल्पना कर सकता वो है? कह रहे हैं 11 महीने के कार्यकाल में जितना काम कर दिया कोई सोच नहीं सकता। पच्चीस वर्षों में कोई सरकार इतना विकास नहीं कर सकती है आपका जुमला, 11 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। बोलिए सुनील जी, वो कह रहे हैं मैं इतना कर दिया, आप कह रहे हैं कि इतने साल में कुछ नहीं किया। रोहित जी, मैं आपके चैनल में, देश के सबसे बड़े चैनल में ये बोल रहा हूँ, अगर ये जुमला नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कि 4 पुल बनाए हैं, ये बता दें और रिपोर्ट निकलवा लें, वो 4 पुल माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के थे या इनकी सरकार के है? देखे मेरा अपना मानना है क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक ऐसा चुनाव है जहां एक ऐसी सामंतवादी विचारधारा की सरकार है जिसने चुनौती दी है पिछड़े और दलितों को और मुसलमानों को, और अगर उनको चुनौती दी है तो वो तीनों मिल करके इस सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक बात और, अगर विकास की बात कर रहे हैं, एक बात अगर विकास की बात कर रहे हैं यादव जी, एक बात बताइए, अगर आप रुक जाएंगे तो अच्छी बात होगी। नारेबाजी कम कीजिए देखिए, अगर रुक जाएंगे तो अच्छी बात हो। नहीं नहीं, बैठिए, बात तो सुन लीजिए उनकी, एक सेकंड यादव जी, एक बात बताइए, अपने लोगों को बैठाइए तो सही, कम से कम बैठिए, अपने लोगों को बैठाइए। सुनील यादव, देखे मैं केवल ये कह सकता हूँ
ऐसे नहीं, ये देखिए ये उपद्रव इसलिए है, रोकना पड़ेगा, ये उपद्रव इसलिए है आपके गवर्नमेंट पे बात ना हो। देखिए मुझे लगता है कि आज गोरखपुर की बात हो जानी चाहिए। बैठिए बैठिए बैठिए, गोरखपुर की बात हो जानी चाहिए, पहले बैठ के बात की। और ये लोग नहीं चाहेंगे कि गोरखपुर की बात हो। गोरखपुर की स्थिति है, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता केवल अपने नेताओं का नारा लगाने के लिए उतर आए मैदान में। ये गोरखपुर की स्थिति है इस समय, जहां हम राजतिलक लाइव के लिए पहुंचे हैं।